डेफेमेशन यानी कि मान हानि, यह एक बहुत ही ज्वलंत विषय है और बहुत ही आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक बहुत ही फेमस मान हानि का मुकदमा चल रहा है अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच में, और काफ़ी स्पीडली चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि यदि हमारा कोई व्यक्ति अपमान कर देता है तो क्या हम मान हानि का केस कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डेफेमेशन क्या होता है। डेफेमेशन होता है कि किसी की मान या उसकी इज्जत को क्षति पहुंचाना या उसकी इज्जत को क्रैश कर देना। मान हानि दो तरीके का होता है। डेफेमेशन एक राइटिंग में होता है, एक ओरल होता है। जो आपने अगर ऐसी मान हानि किसी की कर दी जो जिससे कि अब उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को झूठा इल्ज़ाम लगा दिया ओरली, ये इतना संज्ञेय इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन मैंने एक पोस्टर बनवाया और पूरे शहर में छपवा दिया कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल गंदा और गलत व्यक्ति है, वो तो चोर है, ऐसे करके मान लीजिए मैंने लगवा दिया, काफ़ी इसका जो है काफ़ी गंभीर मामला बन जाता है। ये दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है। दीवानी भी होता है यानी सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। आप दीवानी सूट करके भी आप मान हानि के मामले में सीधे सीधे न्यायालय जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं, या पुलिस में केस रजिस्टर्ड करा करके क्रिमिनल केस भी इसको बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको मान हानि यानी आपके मान सम्मान को क्षति कैसे पहुँचाई गई है, क्या ओरली पहुँचाई गई या राइटिंग में परमानेंटली पहुँचाई गई है, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसके कुछ अपवाद भी हैं, ये भी ध्यान देने लायक है कि अगर बाप ने बेटे को बोला बेटा तू तो नलायक है, कभी कुछ कर ही नहीं सकता, ये मान हानि नहीं है। यानी कि बाप को वहाँ पे अधिकार है कि वो बेटे को डांट सके, वहाँ पे इसको मान हानि नहीं माना जाएगा। या फिर ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि बोला गया किसी सरकारी अधिकारी को, कोई पब्लिक ने बोल दिया कि आप तो चोर हैं और वास्तव में उस पर कोई करप्शन प्रूव हो गया हो, तो ये भी कोई मान हानि नहीं है। या कोई भी व्यक्ति यदि हम फैक्ट बोल रहे हैं, चाहे उसकी क्षति क्यों, उसके इज्जत की क्षति क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन यदि हम फैक्ट बोल रहे हैं तो वो मान हानि नहीं है। तो मान हानि के केस में ये ज़रूरी है कि हमारा जो किसी की इमेज को या किसी के सम्मान को क्षति पहुँचाने के लिए हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हमने ओरल या राइटिंग में किसी तरीके से पहुंचाई हो और वो सच ना हो, जो आपने कहा वो सच ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान रखें कि दोनों तरीके से केस हो सकते हैं, सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। आप किसी भी माध्यम से जा सकते हैं, न्यायालय में केस कर सकते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी सिटीजन केस कर सकता है, अपने मान हानि के खिलाफ न्यायालय में जा सकता है और वहाँ से मुकदमा लड़ करके दोषी को सजा दिलवा सकता है।